गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और 1 बज रहा है, जा रहे हैं। कल तो आए थे रात में, तो सिर्फ पार्लर का काम, मेकअप का और ज्वेलरी का हो पाया था। अभी कपड़े की शॉपिंग बाकी रह गई है, तो मैं नाइट में यहीं रुक गई थी। और मुझे यहीं से थोड़ी दूर पे ही जाना था, तो मैंने यहीं रुक गई कि सुबह से इधर ही चले जाऊंगी। तो बाजी 10:30 बजे जा रहे थे, उन्हीं के साथ निकलते, पर इतनी मॉर्निंग में आजकल शॉप ओपन नहीं होती हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रुक जाती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। तो 1 बज गया है, अब तक तो सब खुल भी गई होंगी, तो जाके जो शॉपिंग बची है वो कर लेती हूँ और फिर घर पहुँचती हूँ। और पार्लर का काम भी हो गया था, तो ये है मेरा नया लुक बालों का। बहुत दिन बाद दिखाई दे रहा है, काफ़ी टाइम से मैंने कट नहीं करवाया था। कैसा लग रहा है? और वहाँ पार्लर में सारे लोग ही बोल रहे थे कि बहुत अच्छा कट लग रहा है पीछे से, बैक साइड से, क्योंकि मेरे बाल थोड़े कर्ल हैं। और जाके नज़र उतार लेना, तो मैंने कहा नहीं, इतने भी अच्छे नहीं हैं कि नज़र उतारने की ज़रूरत पड़े। तो जिसके पास जो होता है ना, उसे कहा मेरे बाल ड्राई हैं तो मुझे इसलिए कम पसंद आते हैं। तो वैसे तो ब्राउन है, सब ठीक है, लेकिन बस ड्राई हैं इसलिए मुझे थोड़े कम पसंद हैं। तो चलते हैं, अब जा रही हूँ, लेट हो जाएगा वरना मैं घर भी, क्योंकि अभी शॉपिंग में बहुत सारा टाइम लगेगा और उसके बाद मैं घर जाऊँगी। तो जो आज बची है तैयारी वो कर लूँगी जाके, और उसके बाद कल का ही टाइम है, परसों मॉर्निंग में 6 बजे निकल जाऊँगी, क्योंकि उसी दिन है। तो इतनी, या तो मैं एक दिन पहले जाती या उसी दिन जा रही हूँ, तो बहुत मॉर्निंग में निकलूँगी। तो आज का दिन है और कल का दिन है मेरे पास, तो दोनों दिन मुझे ना तैयारी करनी है अच्छे से, उसके बाद पहुंचना है घर। और यहाँ तो भाभी है नहीं, केवल भाभी तो जिस दिन आए थे उसके एक दिन पहले ही गई थी, तो सब खाली पड़ा हुआ है, ना भतीजे हैं ना भाभी हैं, केवल भाई जी हैं, वो भी चले गए थे ऑफिस। तो अब जाके हम लोग भी निकल लेते हैं यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो निकल लिए हैं मार्केट की ओर घर से, और थोड़ी दूरी पे ही था तो पहुंच गए थे वहाँ पर। और काफ़ी भीड़ थी, थोड़ी हल्की हल्की धूप निकली हुई थी, ज़्यादा नहीं थी उस दिन जब गए हुए थे। दूसरे दिन तो काफ़ी अच्छी धूप निकली थी। और मार्केट में जाने के बाद मैंने सबसे पहले बच्चों के लिए सोचा, लेकिन एक शॉप मिल गई जिसपे बहुत अच्छे से गाउन थे, तो मैंने सबसे पहले वहाँ जाके अपने लिए गाउन देखे। और काफ़ी अच्छे प्यारे प्यारे लहंगे भी थे और गाउन भी थे। और मैंने अपना गाउन जो है सिर्फ 15-20 मिनट ही लगाए थे और मैंने पसंद कर लिया था, लेकिन जो पीहू और कुहू का रह गया था तो उसमें से उनको पसंद करने में बहुत टाइम लग गया था। और यहाँ पर जो मैंने लिया है वो ये वाला है, और इसमें 3 कलर थे, एक पीच कलर है, एक येलो है और एक ग्रीन है। तो ना ही मुझे ग्रीन पसंद आया था और येलो तो मैं ज़्यादा पहनती ही नहीं हूँ, तो फिर ये पीच कलर ही थोड़ा सही लगा था, तो मैंने इसे ले लिया था। और इसको लेने के बाद एक और वहीं पर गाउन था, पर्पल कलर में था वो भी, तो वो वेलवेट पे था और उसका डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, पर ये था कि वो उसमें स्लीव्स नहीं थी और गला उसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड था, तो वो सब ना मैं पहन नहीं सकती थी। और फिर मैंने यही वाला पसंद करके ले लिया। और इसके बाद चले गए हैं बच्चों का लेने के लिए, और कम से कम 4-5 शॉप पे गए तब जाके कहीं पीहू ने एक पसंद किया कि हाँ ये लूँगी, वरना कहीं कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था उनको, जबकि काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइन के और बहुत अच्छे अच्छे से कपड़े थे, जिन्हें देख के लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छे लगेंगे ड्रेसेज इन पे, लेकिन इनको पहनना था तो मैं चाह रही थी इनको पसंद आना चाहिए, तो इनके मन का नहीं मिल पाया। और जब लास्ट की 5th वाली शॉप पे गए तब जाके इन्होंने एक फ्रॉक पसंद की अपने लिए, तो वहीं से मैंने कुहू के लिए भी एक पसंद करी थी, और कुहू की पसंद आ चुकी थी पहले ही, बस पीहू का पहले भी उन्होंने दिखाया और फिर कुहू का मैंने देखा, फिर उन्होंने पीहू का दिखाया, तब जाके पीहू ने सेलेक्ट किया एक। खूबसूरत लगेगी, वर्क अच्छा है, सोवर वाली मुझे।
गए थे मार्केट, और मार्केट से जो कपड़े वगैरह लाने थे वो ले आई हूँ। तो दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो पीच कलर का गाउन लेके आई हूँ अपने लिए, और ये काफ़ी फ्रिल वाला है तो यही पसंद आया। और एक दो थे तो उनमें विदाउट स्लीव्स वाले थे, और भी थे पर वो मुझे पसंद नहीं है, तो फिर ये मैंने लिया है अपने लिए। और ये जो रखे हुए हैं ये है पीहू और कुहू के। तो सबसे पहले ये है पीहू का, सोचा था कि शादी में इनके लिए लहंगा ले लूँगी और तिलक में गाउन पहन लेंगी, पर जब मैंने गाउन ले लिए तो फिर मुझे ये दिख गए, तो मैंने सोचा ये तिलक के लिए सही रहेंगे क्योंकि जाड़ा है तो स्लीव्स रहेगी तो सही रहेगा। तो ये है फ्रॉक ये, और इसके साथ में ये ब्लैक कलर का, ऊपर से ये कोटी हो जाएगी तो अच्छी लगेगी। और बात ये है कि पीहू का कलर फेयर है तो उन पे ये काफ़ी शूट करेगा ब्लैक कलर, और स्लीव्स रहेंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगी जाड़े में। और सेम जैसे वो था वो सिल्क में था, और बस इसका फैब्रिक अलग है। और ये पिंक कलर की मैंने कुहू के लिए ली है, और चाह रही थी कोई और कलर होता पर कलर ऑप्शन नहीं था तो मुझे फिर ये पिंक कलर लेना पड़ा। और इसके साथ में वाइट कलर की ये स्लीव्स वाली, और स्लीव्स हो जाएंगी तो उनको अच्छा भी लगेगा, और मैंने ट्राई करके देखा भी है, अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। और ये है कुहू के लिए, मैं शादी में पहनने के लिए लेके आई हूँ इसके लिए, तो ये कलर भी उन पर बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसी है ये। और इसके बाद पीहू का है ये वाला, तो ये है पीहू का, तो पीहू और कुहू का ही ढूंढने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लग गया था, जिसके बाद मैं कम से कम 4-5 शॉप पे गई थी, नहीं मिला तो फिर मन का, तो फिर ढूंढते ढूंढते मैं थक गई थी इनके, और फिर जब ले लिए उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ली तो बैग उठा उठा के मेरे हाथों में दर्द हो गया, मैं थक गई थी एकदम कि अब बस घर दिख रहा था मुझे 4 घंटे के बाद। और ये बहुत प्यारे से गाउन में पहनने के लिए मुझे, और गाउन के साथ पहनने के लिए ये कंगन मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो मैंने ये ले लिए थे। और ये भी है साथ में, ये प्रोकंसील, मेरे दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं तो उनको कवर करने में ये सही रहेगा, मैंने ले लिया है ये वाला। ये पिंक एंड ब्लू का है आईलाइनर, और ये लैक्मे का 9 to 5 बेबी क्रीम है, मैं इसे फाउंडेशन में यूज करती हूँ। और ये है लैक्मे का कॉम्पैक्ट, और ये है परफ्यूम बॉन्डिज की, और नेल पॉलिश, और ये मस्कारा, और ये फॉल्स वाले नेल है, फर्स्ट टाइम इनको यूज करूँगी क्योंकि इसके पहले मैंने ये यूज नहीं किया हुआ है, फर्स्ट टाइम मैंने कहा ट्राई कर लेती हूँ। और ये है इन दोनों लोगों के ब्रेसलेट, तो एक एक ले आई थी, एक एक ये, तो 2 प्रोग्राम है, दोनों में हो जाएगा। और ये गाउन से मैच करती हुई मैंने मेटल की चूड़ियाँ ली हैं क्योंकि ये गाउन से मैच मुझे कांच की नहीं मिल रही थी, तो मैं इनमें एक कांच की डाल लूँगी। और यही तो कंगन लेके आई हूँ मैं, वाइट कलर के हैं, अभी दिखाती हूँ, वो यूज करूँगी इन्हीं के साथ। और कंगन है ये, तो प्यारे लग रहे थे मुझे ये देखिए ऐसे, तो यू। और एक ये है कंगन, और ये है
हेयरबैंड दोनों के लिए मैंने मैचिंग का ले लिया है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे ये हुई कि मेरा गाउन तो मैंने सबसे पहले ले लिया था, उसमें कोई टाइम नहीं लगा बच्चों का, सबसे ज़्यादा 4-5 शॉप पे जा के देखा। और दूसरी बात ये हो गई कि शर्मा जी जाते थे तो उनकी कॉल मीटिंग ये सब बहुत ज़्यादा थी, तो एक शॉप पे मैं खड़ी होती थी, बुलाती थी और फिर वो चले जाते थे बात करने के लिए, और फिर मैं वहाँ नहीं पसंद आता तो दूसरी में चली गई, फिर उन्हें बताना पड़ता था कि मैं यहाँ हूँ, तो वो फिर आधे घंटे बाद आ रहे हैं, उन्हें शॉप नहीं मिलती थी, ऐसे गए, काफ़ी बड़ी मार्केट थी, तो ढूंढते ढूंढते बहुत सारा टाइम उसमें भी गया, तो हो गई थी ऐसा करते करते टाइम। और मैंने दोनों बच्चे संभाले हुए थे, और इसके बाद जब ये इन लोगों की ड्रेस ले ली है तो 4 बैग बड़े बड़े से मेरे पास हो गए थे, और इन दोनों को भी संभालना था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो सबसे ज़्यादा मन का जो नहीं मिल पाया है वो गाउन के साथ मुझे मैचिंग की ज्वेलरी नहीं मिल पाई। अगर मैं पहले ड्रेस ले लेती तो ऑनलाइन ही मंगा लेती या वहीं पे अच्छे से देखती, पर एक दिन के टाइम की वजह से ना, सर्दी की वजह से मैं पहले गई नहीं, संडे का प्लान था पर संडे के दिन बारिश होने लगी थी तो फिर नहीं गए थे, तो एक ही दिन गए तो ज्वेलरी हो गई, और एक दिन कपड़ों की शॉपिंग के लिए चले गए, तो दोनों दिन बस 2 ही दिन मुझे मिले हुए हैं। आज मुझे पैकिंग वगैरह करनी है और फिर कल मॉर्निंग में निकलना है, तो इसलिए टाइम नहीं था। तो मैंने बहुत ढूंढा जितनी वहाँ आसपास दिख रही थी, उसके चक्कर में मुझे 3 टाइम सब कुछ लेके जाके मैंने रख दिया मार्केट से बाहर, ये चले गए, और फिर मैं 2-3 टाइम बाहर से अंदर की ओर आई कि मुझे दिख जाए, पर कुछ भी मन का नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे मैचिंग का सिर्फ एक यही मिल रहा था, एक तो पीच कलर है इसलिए बहुत मुश्किल से है, तो मुझे मुझे अपनी ज्वेलरी ना बहुत अच्छी नहीं लग रही है, बस इससे डिसअपॉइंट हूँ। और जो सैंडल थी वो मैं एक दो बार देख चुकी थी, कहीं नहीं मिली, फिर मैं परेशान हो गई। फिर इनकी ड्रेस की मैचिंग भी चाह रही थी, तो ड्रेस की मैचिंग से सिर्फ यही मिल पाई थी मुझे, तो फिर ये मिली केवल, तो यही पहन लेंगी। और यही ड्रेस से मैचिंग करती हुई मुझे मिल पाई थी, और मैं बहुत थक चुकी थी, मैंने कहा जो भी मिला मैं ले लूँगी, सीधा मुझे घर दिख रहा है, घर में भी बहुत सारा काम था, वहाँ से लौट के आए तो चाय बनाई और खाना बनाया, कपड़े बहुत सारे धुलने रखे हुए थे, फेशियल कराया, एक हाथ में मैंने अपनी मेहंदी भी लगवाई है और एक हाथ बचा हुआ है, तो अब इसमें आज लगवा लूँगी, या खुद से ही अगर ज़्यादा नाइट हो गई तो, अभी पैकिंग नहीं करी है, ज़्यादा नाइट हो गई तो मैं खुद से लगाऊंगी, और पीहू कुहू को अभी लगा के ही आई हुई हूँ, और सब कुछ पैक भी करना रहेगा, तो बहुत ज़्यादा फिर मैंने मार्केट में जल्दी जल्दी करी, तो देख चीज़ें जो है ना मेरे मन की नहीं मिल पाई हैं। उसके बाद में कुछ तो काम चलाया ही जाता है, तो फिर ऐसे ही काम चलाऊंगी, देखती हूँ फिर बाद में। कभी कभी मन का नहीं मिल पाता है चाहे कितनी भी कोशिश करिए, तो अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो शॉपिंग हो चुकी है, अब मेरी टेंशन थोड़ी ख़त्म हो चुकी है, और जो बाकी की है वो शादी के टाइम होगी, पर तिलक वाली मैंने कर ली है तो टेंशन फ्री हो चुकी हूँ, और जो काम है वो कर लूँगी। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।